हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग विद इंजीनियर्स। तो मैं हूं चिरंजीत और आज का टॉपिक है पीएलसी स्टार्टअप। तो इस पीएलसी स्टार्टअप में आप देखेंगे, जो सुने हैं वार्म स्टार्ट, हॉट स्टार्ट एंड कोल्ड स्टार्ट, जो इंटरव्यूज में भी बहुत बार आते हैं। तो आज हम समझेंगे ये क्या होता है और कैसे काम करता है। ओके, तो ये जो तीन है आपका, वार्म रिस्टार्ट, कोल्ड रिस्टार्ट एंड हॉट रिस्टार्ट, ये तीन टाइप का स्टार्टअप है पीएलसी का। तो स्टार्टअप में क्या होता है, आपका कभी आप कंप्यूटर को भी ऑन किए होंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स रहते हैं जो आपका इनपुट्स एंड आउटपुट्स को पहले चेक करता है, जैसे हो गया कीबोर्ड माउस, फिर वो स्टार्टअप होता है ओएस के जरिए। इनकेस ऑफ पीएलसी, ये भी अपना हार्डवेयर को फिजिकल चेक करता है बूटअप के टाइम, ठीक है। और इसमें फार्मवेयर रहता है, फार्मवेयर से पीएलसी जो है ऑन कंडीशन पे आता है, पर वो स्टार्टअप के कंडीशन पे वो तीन ओबी को स्कैन करता है। मैं सीमेंस पीएलसी का बात कर रहा हूँ। अगर आप स्टेप सेवन का पीएलसी यूज कर रहे हैं तो तीन ओबीज होता है, जो आपका ओबी वन मतलब प्रोग्रामिंग ओबी जो साइक्लिक ओबी है, उसको स्कैन करने से पहले तीन ओबी स्कैन होता है स्टार्टअप के दौरान पीएलसी को। तो ये तीन ओबी है, ओबी 100, ओबी 101 एंड ओबी 102। तो इसमें आप देख रहे हैं 100 जो है वो वार्म रिस्टार्ट है, ठीक है। 101 है हॉट रिस्टार्ट एंड 102 है कोल्ड रिस्टार्ट। तो सेम अगर आप पिछला जो पीएलसी आते थे स्टेप 5 पीएलसी, उसमें भी ये सेम तीन आपका स्टार्टअप प्रोसीड्योर रहता था, पर उसके में वो भी अलग था, उसमें था वो भी 20, 21 एंड 22 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि वार्म रिस्टार्ट होता क्या है। तो वार्म रिस्टार्ट आपका कब होता है, अगर आपका सोचिए पीएलसी में कुछ एरर आ गया और पीएलसी खुद रिस्टार्ट किया, या फिर सोचिए आपका या किसी कंडीशन पे आप आपका हार्डवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली पीएलसी जो है वार्म रिस्टार्ट होता है। और कुछ कुछ पीएलसी में इसका एक टॉगल स्विच रहता है जिसको आप टॉगल करके वार्म रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो वार्म रिस्टार्ट में क्या होता है, इसमें जो डेटा ब्लॉक्स होता है, जो डीबीज होता है, ठीक है, तो उसका जो डेटा रहता है वो रिटेन रहता है, उसमें जो आपका वैल्यूज रहेंगे वो नॉर्मल रहता है। ये बाद में बताता हूं मैं ये कैसे रहता है। और रिटेंटिव टाइमर्स, काउंटर्स, बीट्स मेमोरी आर रिटेन, बट नॉन रिटेंटिव एरियाज आर रिसेट, ठीक है। आप सीमेंस पीएलसी में डिफाइन कर सकते हो कुछ मेमोरी, बीट्स, काउंटर, टाइमर्स को रिटेंटिव बोल के। तो रिटेंटिव में क्या होता है, आप अगर बीएच कर पढ़े हैं मैग्नेटाइजेशन का, तो उसमें एक पोर्शन था जिसमें आपका पूरा मैग्नेटाइजेशन फोर्स हटा लेने से भी थोड़ा उसमें मैग्नेटिक फील्ड रहता था, वो पूरा जीरो नहीं होता था, तो उसको बोलते हैं रिटेंटिव एरिया। तो उसी बेस पे यहाँ पे जो डिजाइन हुआ है, इसमें आपका क्या होता है, एनवी रैम यूज होता है, नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो ये काम कैसे करता है, ये बहुत हाई कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा हुआ रहता है जो आपका रैम को पावर अप करता है, या फिर आपका बैटरीज लगे हुए रहते हैं जो आपका उस रिटेंटिव एरियाज को पावर अप करके रखते हैं, कि उसमें रिटेन जो वन है या जीरो है उसको होल्ड करके रखे, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं रिटेंटिव, जो आपका उस सेक्शन के अंडर में आता है। और सीमेंस पीएलसी में ये आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट आपका जो है नॉन रिटेंटिव, उसमें आपका जो है पावर फेल्योर होने के बाद वो आपका जीरो हो जाता है, सॉरी पावर फेल्योर नहीं, वार्म रिस्टार्ट के दौरान बाकी जो डेटाज है वो डिफॉल्ट कंडीशन पे आ जाता है, अगर जीरो तो जीरो। नॉर्मली हर जो आपका एरियाज है, नॉर्मली जो बिट्स रहेंगे वो फिर रिसेट कंडीशन पे आ जाएंगे, जो जीरो कंडीशन होता है, ठीक है। और जब पीएलसी स्टार्ट होता है, उसमें वो ओबी वन को जब स्कैन करता है, उसमें सारे एरियाज जो है वो एकदम वार्म रिस्टार्ट के दौरान लास्ट वैल्यू जो रहता है रिटेंटिव एरिया का। सोचिए आपका कोई टाइमर है जिसमें आपका 10 सेकंड का कुछ टाइमर है, 5 सेकंड तक काउंट हो चुका था, तो उसका बाद से चालू होता है, मतलब 6 सेकंड से चालू होता है। तो इसमें हमको एडवांटेज क्या है, अगर आप सोचिए कभी हार्डवेयर या कुछ डाउनलोड कर रहे हैं और कुछ रिटेंटिव में आप मेंशन कर रहे हैं, सोचिए आपका कोई ब्रेकर है जिसको एक बार ट्रिप होता है तो आपका 10 मिनट के बाद उसको फिर से स्टार्ट होना है, तो आपका अगर उसी दौरान आप हार्डवेयर कहीं डाउनलोड किए और वो रिटेंटिव मेमोरी नहीं है, रिटेंटिव टाइमर्स नहीं है, तो वो क्या होगा, फिर इनिशियल आपका कंडीशन पे आ जाएगा, तो आपका एक तो टाइम वेस्ट हो जाएगा कि वो फिर से जीरो से काउंट करना चालू हो जाएगा, ठीक है। सोचिए वो आपका 9 मिनट तक काउंट हो चुका था और 1 मिनट बचा हुआ था, लेकिन उस टाइम आपका वार्म रिस्टार्ट हुआ,
तो आपको क्या होगा, फिर से जीरो से जीरो से चालू हो जाएगा और आपका जो सिस्टम को है प्रोसेस को जो चालू करने में लेट हो जाएगा। तो इस कुछ एडवांटेजेस रहता है वार्म रिस्टार्ट में, तो इसलिए हम लोग को डिफॉल्ट जो रिस्टार्ट रहता है, कोई फॉल्ट कंडीशन हो या फिर हार्डवेयर डाउनलोड हो, इस कंडीशन पे जो पीएलसी है वो वार्म रिस्टार्ट होता है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं कोल्ड रिस्टार्ट में। तो कोल्ड रिस्टार्ट में क्या होता है, आपका जो भी डेटा है रिटेंटिव हो चाहे नॉन रिटेंटिव हो, तो पूरा वो है इरेज हो जाता है, मतलब इरेज मतलब जीरो हो जाता है, सॉरी इरेज नहीं बोल सकते उसको, वो डिफॉल्ट वैल्यू में चला जाता है। ठीक है, और आपका जो डेटा ब्लॉक्स रहेंगे, तो हम लोग का डेटा ब्लॉक्स जो है दो मेमोरी में स्टोर होता है, एक होता है वार्प मेमोरी जो पीएलसी का खुद का मेमोरी होता है, एंड और एक होता है लोड मेमोरी। ओके, तो जो आपका वार्प मेमोरी में होता है दे आर क्लीन्ड, ओके वो क्लीन हो जाता है, एंड इन लोड मेमोरी दे स्टार्ट विथ प्रीसेट डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, तो अगर आपका कभी पीएलसी आपका रिस्टार्ट हो गया, तो आप उससे पहले कभी ऐसा कंडीशन ना आए, अगर आपका ऐसा कंडीशन आता है उसके लिए आपको पहले से बैकअप लेके रखना है। ऑनलाइन डीबीज जो होते हैं, आप काम करते होंगे तो पता होगा कि ऑनलाइन जो वैल्यूज है डीबीज में उसका बैकअप ऑलरेडी लेके रखिए। कभी आपका कोल्ड रिस्टार्ट हो गया या आपका सीपीयू कभी फॉल्ट में चला गया, ओके कभी आप इसके कंडीशन पे आपका इरेज हो गया, कुछ आपका फार्मवेयर में इश्यू हुआ, पूरा सीपीयू खराब हो गया, आपको चेंज करना है, तो ऑलवेज ऑनलाइन बैकअप लेके रखिए पीएलसी का। ठीक है, जो भी आपका 400 सीरीज का पीएलसी है उसमें आपका ऑनलाइन वैल्यू जो है ऑनलाइन डीबी का बैकअप लेकर रख लीजिए। तो नेक्स्ट और एक जो है ये सिर्फ आपका 400 सीरीज के लिए ही अप्लीकेबल है, सीमेंस का बात करूंगा मैं। तो ये जो है आप जो लैपटॉप या लैपटॉप में आपका जो हाइबरनेट ऑप्शंस रहता है, जो आपका बोल सकते हैं अगर आपका लैपटॉप को बंद कर देते हैं तो उसको बैटरी पावर से जो कंडीशन पे है लास्ट कंडीशन, जो आप सोचिए कोई मूवी चल रहा था तो उस मूवी चल उसी कंडीशन पे जहां पे आप बंद कर रहे हैं वहीं पे वो स्टॉप होकर रहेगा। अब जब स्टार्ट करेंगे फिर से आपको मूवी को पहले से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वो वहीं से चालू होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हम हॉट रिस्टार्ट। ओके, ये 400 पीएलसीज में लाया गया है जो कि 300 में अवेलेबल नहीं था। तो इसमें आपका एडवांटेज, इसमें आपका रिटेंटिव हो चाहे नॉन रिटेंटिव कुछ भी एरिया हो, ठीक है, उसमें जो वैल्यूज था उसी वैल्यू के साथ पीएलसी स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस को कुछ हैम्पर नहीं करेगा, जब स्टार्ट होगा एकदम जहां था वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, कुछ डिले नहीं करेगा, तो ये हो जाता है आपका हॉट रिस्टार्ट। तो हम अभी देखेंगे ये जो ऑप्शंस है ये पीएलसीज में कहां पे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो देख रहे हैं एबीबी पीएलसी है, इसमें आप यहां जाएंगे तो यहां आप देख सकते हैं यहां पे जो है आपका हॉट रिस्टार्ट का जो है इनिशियलाइजेशन बोल के है, और यहां पे वार्म रिस्टार्ट और कोल्ड रिस्टार्ट है। और अभी देख लेंगे हम सीमेंस पीएलसी में। तो यहां पे आप मैं देख लेता हूं, देखिए यहां से जाएंगे आप, आपका जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उसका सीपीयू से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे और स्टार्टअप पे जाएंगे, तो यहां पे आपका ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो स्टार्टअप आफ्टर पावर ऑन, जब आपका पावर ऑन होगा तब पीएलसी किस कंडीशन से स्टार्टअप लेगा, ये वार्म रिस्टार्ट से। ओके, यहां से अगर आप वार्म रिस्टार्ट सिलेक्ट करके रख दिए तो आपका जो रिटेंटिव मेमोरीज है उसमें वहीं से आपका रिटेंटिव मेमोरी जिसमें स्टॉप हुआ था उसी वैल्यू के साथ स्टार्टअप होगा, और जो नॉन रिटेंटिव है वो डिफॉल्ट वैल्यू को डिफॉल्ट वैल्यू से स्टार्टअप लेगा। और रिटेंटिव हम एरिया कहाँ डिफाइन करेंगे, ये रिटेंटिव एरिया यहाँ पे आपका आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अगर 10 डाल दिए तो 0 से लेकर 10 तक का जो टाइमर्स होगा वो रिटेंटिव मेमोरी में डिफाइन हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। और ओके, तो चलिए, और ये हो जाता है आपका लोकल डेटा मेमोरी। ठीक है, ओके, तो चलिए, थैंक यू, बाद में हम आपको पीएलसी का मेमोरी के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।